दिल्ली में 18,286 केसेज आए थे, पॉजिटिविटी रही थी 27.8 और 28 डेथ हुई थी और बेड ऑक्यूपेंसी अभी भी 2700 बेड ऑक्यूपाइड थे और 13,000 के करीब बेड खाली थे। दिल्ली के अंदर लगातार ये चौथा दिन था जिसमें कि केसेस पहले से कम दर्ज किए गए और आज वैक्सीनेशन भी पूरा एक साल हुआ है तो वैक्सीनेशन का डाटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दिल्ली में कुल मिलाकर 2,85,00,000 डोजेज लगाई गई हैं लोगों को। फर्स्ट डोज जो एलिजिबल थे 100% लोगों को लगाई जा चुकी है, सेकेंड डोज 80% लोगों को लगाई जा चुकी है और जो प्रिकॉशनरी डोज है वो 1,28,000 लोगों को लगाई जा चुकी है, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 35,000 है, फ्रंटलाइन वर्कर 60,000 हैं और हेल्थ केयर वर्कर 32,000 है। डेफिनेटली दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन की, हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है।